हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम करने लगे हैं आईज़ के लिए जो है वो लीज थेरापी। अच्छा शकील साहब का जो है वो ये तीसरा सेशन है, दो हमने पहले किए हैं और आज हम इनसे पूछते हैं कि जो पहले इससे लीज थेरापी करने से पहले इनके क्या प्रॉब्लम्स थे और कितने मसाइल थे, वो आज आपको जो है वो आपके इनके सामने ही आपको सुना देते हैं। जी शकील भैया, आपको प्रॉब्लम क्या था और कितना परसेंट जो है वो आपको आपकी नज़र जो है आंखों में फ़र्क था? मेरी तो आंखों में नज़र इतनी है ही नहीं थी ना, तो दूसरा ये कि मेरी आंखें भी नज़र एक ठहरती थी, देख बात किधर और करता था नज़र किधर और आता था। अच्छा, सही। तो ये कि जब से ये मैंने लीच लगवाई है ना, पहली दफ़ा मैंने लीच लगवाई है, तो उससे मुझे 50% फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को दोबारा बोला कि मुझे लीच लगवाएं, अल्लाह करे इससे मेरा। नज़र में कितना फ़र्क आया? पहले आई साइड में कोई, मेरे ख्याल में आपकी नज़र कम भी हो जाती थी और पेन भी होता था, उसकी पेन भी, वजह से सर में भी सर में आपका भी मेरे बहुत दर्द दर्द होता होता था, था। और जब से मैंने जामा कराया और ये लीच करवाने लगा कि मैंने आज तक गोली भी नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोबारा एक दो, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि ये और कितनी दफ़ा लगानी है। ये इंशाल्लाह जो है ना वो अगर 50% आपका 2 सेशन के बाद ही रिज़ल्ट आया तो 2-3 सेशन और होंगे इंशाल्लाह। जी बाकी भी आपका जो है वो इसके साथ जब फर्स्ट सेशन हुआ तो इसमें आपको कोई, यानी बाहर लोग ये समझते हैं कि शायद पेन होता है या इसमें कोई जो है वो दर्द होता है, कोई चुभन वगैरह कोई फील तो नहीं होती? कोई दर्द तो कुछ फील नहीं होता, कुछ शायद नहीं फील होती मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लगा ही नहीं हुआ जी, ना। कुछ लगा ही नहीं हुआ, बस ये ज़रा सारा था मामूली टाइम पे एक सेकेंड हाँ के जी, लिए। हाँ जी, वो बस थोड़ी सी ज़ाहिर है जी वो हाँ बाइट करती है तो हल्का हल्का ऐसे टीसें थोड़ी सी उठती हैं। जी हाँ, बाकी दूसरा ये है कि इसके साथ आपकी कोई नींद बेहतर हुई है नींद भी ठीक और है, सर में जो दर्द था वो काफ़ी कम वो हो है ही गया, नहीं, अब ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया, मेरा सर अल्हम्दुलिल्लाह। में दर्द ही नहीं है। सही सही जी सही। हाँ, अभी दूर की नज़र भी आपकी ठीक है? मेरी दूर की भी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह ठीक हो गया इंशाल्लाह। और इसके साथ तो चेहरे में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा जी हाँ, चेहरा भी जो है ना वो राइट साफ हुआ। साइड मेरी बहुत एक टेढ़ी थी ना साइड वो। आप देखते इस तरफ थे जी हाँ जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि एक बेंगापन जो होता है जी ना हाँ, उसके अंदर ये होता है कि वो आप बात किसी कहीं और कर रहे होते हैं तो फोकस कहीं और होता फोकस है। मेरा हाँ, कहीं और तो होता है। पहले ये आपका बिल्कुल आउट हुआ हुआ था, अब ये आपका जो है ना ये आंखों का जो फोकस है, इनका जो बेंगापन है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमी आई है। ऐसा ही है, बिल्कुल काफ़ी नहीं, बिल्कुल बेहतर हो गया उससे। बेहतर हो गया। अब देखें इससे पहले आप कितने अरसे से ये प्रॉब्लम था आपका, ये कितने मुझे सालों से? तो 15-16 सालों से ही है। अच्छा, 15-16 साल से था। जी हाँ, 15-16 साल से कोई ट्रीटमेंट वगैरह या आपने कोई इसके अलावा भी जो कोई मेडिसिन वगैरह कोई इलाज मेडिसिन करवाए तो कोई होंगे? नहीं, मैंने आंखें चेक करवाई थी, चश्मे पहनता रहूँ, जब सही। चश्मे पहनता था तो महीना 2 महीने के बाद वो और मेरे से अंधेरा हो जाता था, चश्मे इसलिए उतार देता था। सही सही सही। तो उसके बाद तो नज़र बढ़ती गई यानी जी ख़राब हाँ होते गई जितना भी, यानी आई साइड का या आई के अलावा यानी आंखों का आपने ट्रीटमेंट कराया तो मामला मज़ीद ख़राब होता गया, जी, बेहतर नहीं हुआ। बेहतर नहीं चले हुआ। इंशाल्लाह, इससे ये तीसरा सेशन है इनका तो इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं हमें कितना रिज़ल्ट मिलता है। बाकी क्योंकि आम देखें ना, बाज़ बीमारियाँ डॉक्टर इलाज करवा लें हिकमत का भी तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। जी हाँ, बार बार आपको 10 साल से 15 साल से प्रॉब्लम है तो बहुत सारे डॉक्टर चेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ती है लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता बल्कि नहीं उसका होता। नुकसान होता है क्योंकि स्टीराइड होती हैं, जी हाँ, वक्ती तौर पेन वगैरह ये चीज़ों में फ़र्क पड़ता है लेकिन उससे फिर डबल होके जो है ना वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। आप देख रहे हैं हेल्थिस्तान जो है वो जो है यूट्यूब चैनल, इसको लाइक भी करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।